आम आदमी पार्टी और जजपा गठबंधन के करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कृष्ण अग्रवाल के कार्यालय का आज पानीपत में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर हवन यज्ञ कराया गया। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह ऑब्जर्वर लोकसभा, बीके कौशिक लोकसभा अध्यक्ष, सुखबीर मलिक हरियाणा व्यापार मंडल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, देवेंद्र कादयान, नरेंद्र सांगवान पूर्व विधायक, दीपक बग्गा लोकसभा मीडिया प्रभारी, इसराना से रामपाल, कुलदीप कादयान, अनिल पांडे, विजय आशीष जैन, आईटी सेल हेड मनमोहन सिंह, महिला अध्यक्ष आशा, देवेंद्र सलूजा, विशंभर, अनूप मलिक, आजाद शर्मा, लक्ष्मण रंगा, एससी एसटी सेल से आजाद बामनिया, गोविंद पुनियानी, देवेंद्र बंसल, महिपाल किसान सेल अध्यक्ष सुमित व सुमित अरोड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज जैसा कि हमारी आम आदमी पार्टी और पंजाब जनता पार्टी ने पानीपत में अपना दफ्तर खोलने की शुरुआत की है, अभी इसी के साथ हम समालखा, इंद्री, बिलोगेरी, करनाल और गरौंडा सभी जगह आज दफ्तर खोलेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने आम आदमी पार्टी और पंजाब जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनों में इतना उत्साह है और इतने उत्साह के साथ वो काम, उनकी उत्साह को देखते हुए हम किसी भी कीमत पर ये सीट जीत के आएंगे। आज मैं बधाई देना चाहूँगा एडवोकेट भाई कृष्ण अग्रवाल जी को, जो एक साफ सुथरी छवि के हमारे प्रत्याशी हैं, एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं। और आभार प्रकट करूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का और जन नायक जनता पार्टी के युवा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्रत्याशी चुनकर दिया है जिसकी पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान है। और आज उसकी शुरुआत पानीपत की ऐतिहासिक धरती से की गई है। मैं सभी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा और निवेदन और विनती भी करना चाहूँगा कि आज से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव मुहिम में जुट जाएं और भाई कृष्ण अग्रवाल जी को भारी बहुमत से जिताकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। जैसा कि आपने पिछले 5 साल से देखा, आज से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव मुहिम में जुट जाएं और भाई कृष्ण अग्रवाल जी को भारी बहुमत से जिताकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। जैसा कि आपने पिछले 5 साल से देखा, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक वायदे इस देश की जनता से किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करता था कि मैं किसान का कर्जा पहली कलम से माफ करूंगा, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतन देने का काम करेंगे, हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख जमा करवाने का काम करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनाने की बात कही गई थी और भी अनेक लुभावने और सुहावने नारे देकर इस देश की जनता को मूर्ख बनाया गया। धर्म और मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, अगड़े पछड़े के नाम पर इस देश की जनता का वोट ठगने का काम किया। अब इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है, आने वाली 12 मई को जब चुनाव होगा तो एक एक वोट आम आदमी पार्टी का जो चुनाव निशान है झाड़ू का,
उसके ऊपर बढ़ेंगी और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे भाई कृष्ण अग्रवाल जी पहुंचने का काम करेंगे। ऐसा है, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सीएम केजरीवाल जी का और दुष्यंत चौटाला जी जो सांसद हैं और हमारे सुशील गुप्ता जी जिन्होंने इसको निकाला है हीरे को। ये एक बड़ी बात है, हमने काफ़ी बैठ कर चर्चा की है इसके बारे में। जब इनका कृष्ण जी का नाम हमने खुद लग के इसका नॉमिनेट कराया है क्योंकि अग्रवाल समाज पानीपत के अंदर जुड़ा हुआ है, बहुत मेहनती गौ मई और ईमानदार आदमी है और हमने ये वादा किया है कि भाई इस सीट को हम निकाल लेंगे। हमारा जो वर्कर है सबसे बढ़िया वर्कर है आम आदमी पार्टी और जननायक जनता दल का, इससे बढ़िया वर्कर नहीं है। हमने कल कांग्रेस वाला का भी देखा था, मैं जा रहे जिन पर चलना नहीं जानता, कास्ट गाड़ी में बैठ कर जा सकते हैं, मैं तो वोट भी नहीं गिरने जानते और हमारा एक एक वर्कर 100 वोट डालेगा। इस करके हमारी जीत निश्चित है, निश्चित है और हम कोई जात पात का इलेक्शन नहीं लड़ते। हमारा एक इलेक्शन है अगर ईमानदारी से इस देश के लिए काम करें ताकि हमारी देश की उन्नति हो। अगर हमारे इसमें एमपी बड़ी आ जाएगा तो हमारे शहर का भी नाम होगा और काम भी बहुत ज्यादा करेंगे। इसी के साथ मैं जनता से एक बार जोरदार अपील करूंगा, एक बार नारा लगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, देश का आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, पानीपत की ऐतिहासिक धरती से बुराई के खिलाफ आज धर्म युद्ध का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी के नायक अरविंद केजरीवाल और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी के आदेश से हरियाणा के अंदर सामूहिक रूप से भाई किशन कुमार अग्रवाल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है और जिनकी विजय श्री पानीपत और करनाल की जनता मिलके सुनिश्चित करने जा रही है। ये मौजूदा सरकार की जो फेलियर्स हैं उनके खिलाफ एक लड़ाई है, ऐलान जंग है और उस लड़ाई को करनाल लोकसभा की जनता बहुत ही सुलझी हुई और समझदार है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए युवा साथी हमारे किशन कुमार अग्रवाल जी जो संयुक्त रूप से दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनको संसद में भेजने का काम करेगी और इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश की करनाल लोकसभा की जनता के साथ जो अभी तक अन्याय और विरोधाभास रहा है भाई किशन कुमार अग्रवाल जी संसद में बैठ के करनाल की आम जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसके बारे में भरसक प्रयास करते हुए आवाज उठाते रहेंगे। इस तरह से पानीपत और करनाल की जनता भाई किशन कुमार अग्रवाल जी को विजयी बनाने जा रही है। धन्यवाद।